बाहर का मौसम बहुत खराब है, तुम लोग कॉफी शॉप बंद करो और घर निकल जाओ। सर आप चलिए, हम लोग बंद करके निकल आएंगे। बारिश में कौन आ गया? मैं देखती हूँ, संभल के। सर ये तो सानिया मैम है। देखिए मैडम घबराइए मत, आप प्लीज आइए, प्लीज प्लीज आइए। सानिया मैम क्या हुआ आपको, कौन मारना चाहता है? मुझे मार देगा। मैडम प्लीज घबराइए मत, कौन है बाहर, कोई गुंडा है क्या? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। ये लो सानिया, कॉफी पी लो एंड प्लीज जस्ट रिलैक्स, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। कॉफी? अरे सानिया मैम कॉफी नहीं चाय पीती है, मैं दो मिनट में आया। हाँ मैडम आप क्या कह रही थी, प्लीज बताइए कौन मारना चाहता है आपको? मुझे पता नहीं, लेकिन उसने 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 मुझे पीछे से वार किया था। पीछे पीछे से हमला? पर किसने? आपने उस हमलावर को देखा क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है, और अगर ये आत्मा अभी भी बाहर हुई तो? दरवाजा मत खोलना, ये दरवाजे की दस्तक नहीं है, ये मौत की आहट है। देखिए प्लीज दरवाजा खोलिए, बहुत भूख लगी है। मैंने दरवाजा खोला, लगता है कोई कस्टमर है। कॉफी मिलेगी? सो सॉरी कॉफी शॉप तो बंद हो चुकी सर। लेकिन वो लड़की तो पी रही है और तुम बोल रहे हो कि कॉफी शॉप बंद है। कोई बात नहीं मानव, कॉफी पिला दो। सर पर हमारे पास एक ही कप कॉफी है। कोई बात नहीं, एक ही दे दो। Have a seat, sir. Thank you. Thank you. मुझे नहीं चाहिए, विशाल तू ले ले। Thank you. क्या हुआ, तू खड़ा क्यों हो गया? पता नहीं यार, बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत डर सा लग रहा है यार। डर? किस बात का डर? क्या वो ऑफिस से प्रेजेंटेशन बनानी है ना, अगर वो ठीक से नहीं बनी ना तो मैं तो गया काम से यार। यार अभी तो तू बिल्कुल ठीक था, ये बीच में ऑफिस का काम कहाँ से आ गया? मुझे लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा यार। यार तू पागल हो गया, एक मामूली से प्रेजेंटेशन की वजह से तू कांप रहा है।
यार तू नहीं समझेगा, तू कभी फेल नहीं हुआ ना। मैं फेल हुआ हूँ बचपन में, और टीचर की डांट से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे यार। यार मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। विशाल, विशाल पर मेरे ऑफिस में तो ऐसी घड़ी है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा अतीत हूँ, हमारा वर्तमान, हमारा हमारे पीछे कल की देन है। ना ही 15 साल पहले मैं एग्जाम में फेल होता और ना ही तुम्हारे दिमाग में फेल होने का डर बैठता। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। ऐसे चला जाओ, लेकिन इससे कैसे बचोगे? किससे? जिसने तुम्हारी पिटाई की थी, क्योंकि तुम टाइम पर पेपर खत्म नहीं कर पाए थे। विशाल, परीक्षित सर। हाँ विशाल, मैं। अगर तुमने वक्त रहते तक पेपर पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। आप मुझे फेल नहीं कर सकते क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। नहीं, नहीं। मैं छोड़ के मत भागो, जाओ, जाके अपना पेपर पूरा करो। नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अगर तुमने अपना पेपर पूरा नहीं किया तो तुम फेल हो जाओगे। जैस्मिन, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। कम ऑन सानिया, तुम्हारा बर्थडे है और बर्थडे के दिन टैरो कार्ड रीडिंग जरूर लेनी चाहिए, साल अच्छा जाता है। ठीक कहा तुमने, जन्मदिन का अवसर होता है एक नई शुरुआत का, एक नए साल का, मौत से 365 दिन और करीब आने का। ठीक, तुम्हारा ही जन्मदिन है ना? हाँ मनीषा जी, ये मेरी दोस्त सानिया है और मैं चाहती हूँ कि आप इसकी अच्छी सी भविष्यवाणी करें। अच्छा हो या बुरा मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ वही बताती हूँ जो किस्मत के इन पत्तों पर लिखा होता है। उठाओ एक कार्ड। मतलब है इस कार्ड का? तुम्हारे अतीत में से कोई आएगा, वापस आएगा, जो तुम्हें
जन्मदिन की बधाई देगा। मैं अपनी आज की जिंदगी से बहुत खुश हूँ और अपने अतीत का एक कतरा भी नहीं चाहती आज मैं। I'm sorry, मलिष्का जी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो क्या है ना, उसका अतीत कुछ अच्छा नहीं रहा है। बीते हुए कल को याद करती है तो थोड़ी सी उखड़ सी जाती है। I'm really sorry, मैं चलती हूँ। सानिया, चलो केक काटो। ये आपकी कॉफी और ये आपकी चाय। अरे भाई, चाय किसके लिए? सानिया जी के लिए, वो कॉफी नहीं पीती ना। नहीं पीती? कम ऑन सानिया, आज तो इसे पीना ही पड़ेगा, है ना? अरे आज सानिया का बर्थडे जो है, क्यों कुछ अलग होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। सानिया कम ऑन, पीना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, पर जाओ ये चाय वापस ले जाओ और सानिया के लिए यहाँ की सबसे अच्छी कॉफी लेकर आओ। राइट, ठीक है। हाँ जी सर। मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम काफी खोए खोए लग रहे हो, हुआ क्या? सर वो आज सुबह विशाल के बारे में अखबार में पढ़ा। सर वही जो सर बारिश की रात में आया था। सर किसने बहुत बेरहमी से सर उसका कत्ल कर दिया। सर सबको मरना होगा, किसी को थोड़ा पहले, किसी को थोड़ा बाद में। विशाल की मौत का मुझे भी बहुत दुख है मालूम, क्या कर सकते हैं। सोचिए रहो, गो। बर्थडे गर्ल तो साने right. तो साने की। तो ये रही मैम आपकी स्पेशल कॉफी, आई होप आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू। यू वेलकम मैम। यार तुम्हें पिछली बार उन्होंने साना के बंदे में कितना मजा किया। सीरियसली बहुत बहुत एंजॉय किया। एंड जी तुम्हें अचानक क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हैप्पी बर्थडे सानिया। हैप्पी बर्थडे सानिया। हैप्पी बर्थडे सानिया। सानिया क्या हुआ? सानिया सानिया आई ओके? क्या हुआ? ये तो उसकी आवाज है, ये तो उसकी। वापस कैसे आ सकती है? क्या हुआ सानिया? सानिया सानिया कौन वापस आ गई? क्या क्या हुआ क्या तुम्हें? मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। मुझे जाना। सानिया सानिया अरे पर सुनो तो सानिया, सानिया कहीं कहीं मनिष्का की भविष्यवाणी सच तो नहीं हो गई? तुम्हारे अतीत में से कोई आएगा, वापस आएगा तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की बधाई देने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे मरे तो कई साल हो गए, वो वापस कैसे आ सकती है? ये कहीं मेरा वहम तो नहीं है? ये रास्ता तो पहले यहाँ था ही नहीं। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ओह नो, ये तो मेरा पुराना वाला घर है जहाँ मेरा परिवार रहता था। सानिया बेटी रुको, सानिया बेटी रुको,
सानिया बेटी रुको। ऐसा नहीं बोलते, यही तुम्हारी माँ है। ये औरत बहुत गंदी है। नहीं। इतने टेंशन में क्यों है? ये ले। अब बता मुझे क्या बात है? तू मौतों के बारे में जानता है? पहले विशाल और फिर मैं। हाँ, बहुत बुरा हुआ उन बेचारों के साथ। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ उन्हें किसने मारा। क्या तू जानता है? हाँ, तुझे याद है जब हम आ गए थे तो वो सीन हो गया था। रोहन, टेबल नंबर 3 पे जल्दी से कॉफी दे दो। मानव, ये साइकिल को भी अभी पंचर होना था। पता नहीं आज मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है।
ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है? कहीं कॉफी शॉप में जो सब चल रहा है उस वजह से तो नहीं? नहीं नहीं, ये डर कुछ अलग है। ऐसा तो तब था जब मैं भाई के साथ, ये तो मैं हूँ, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ भाई, की याद आ गई क्या? जेक, मैं उसे लेकर आया हूँ तेरे लिए। ये कैसे हो सकता है, मेरा भाई मर चुका है। हाँ, 2 साल हो गए उसे मौत की दुनिया में गए हुए। जा, जाकर मिल ले उससे। तू चाहता तो उस दिन मुझे बचा सकता था, पर मेरी जान बचाने के बजाय तू बम दबा के भाग गया। मुझे एक्सीडेंट से बहुत डर लगता है भैया, बचपन से ही। आपको तो पता ही है। तेरे इस बेवजह के डर से मैंने अपनी जान गंवा दी और अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। की बातों में कितनी सच्चाई। समझ में नहीं आता कि उसकी बातों में यकीन करूं या ना करूं। यह मशीन लगता है कोई ऑफ करना भूल गया। चलो कॉफी बनी गई है तो उसे पी ली जाए। ये मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? अजीब सा डर सा लग रहा है, ऐसा डर कि जैसे मुझे ड्रैकुला की कहानियां पढ़ते वक्त लगता है। रोहन, you
ये तो वही ड्रैकुला की किताब है जिसे पढ़ के मैं बहुत डर गया था। लेकिन ये किताब तो मैंने फेंक दी थी। फिर ये यहाँ वापस कैसे आए? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सब एक सपना है, ये सब एक बुरा सपना है, ये सपना नहीं, हकीकत है। समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। रोहन की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर कौन मार सकता है उसको? सर, मुझे किसी इंसान का काम नहीं लगता सर, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी खूनी आत्मा का काम है। क्या मतलब? क्योंकि इतनी बुरी तरह से तो कोई दूसरी दुनिया की शक्ति मार सकती है सर। सर, कहीं कॉफी शॉप में कोई आत्मा तो नहीं है? पहले तो कस्टमर और अब रोहन। हाँ सर, और मानव वो भी तो गायब है सर। मुझे तो एक कॉफी शॉप ही मनहूस लगती है। मुझे लगता है तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, जब तक इन भयानक मौतों का सिलसिला रुक नहीं जाता, मैं इस मनहूस कॉफी शॉप को बंद कर देता हूं। तुम लोग भी अब अपने अपने घर निकलो। वाकई लगता है इन मौतों का संबंध इस कॉफी शॉप से है? हो सकता है यार, इसीलिए तो मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। पर नौकरी छोड़ने के बाद भी अगर हमें कुछ हो गया तो मतलब ये मौतों का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो देखते हैं। वैसे भी शशांक सर ने ताला तो लगा ही दिया है कुछ दिनों के लिए कॉफी शॉप पे, हो सकता है ये हाथ से बंद हो जाए। हिमानी सुनो, हिमानी हिमानी रुको। कहाँ जा रहे हो? हिमानी रुको, कहाँ जा रही हो? हिमानी किसी ने मुझे पुकारा था। किसने? कोई तो है, कोई है, मैं कह रही हूँ कोई है। तुमने नहीं सुनी? नहीं, मैंने किसी की आवाज नहीं सुनी। कई साल पहले किसी ने मुझे पीछे से पुकारा था और मेरी मदद मांगी थी, पर मैं मदद
बुलाता है। मैं बहुत डर जाती हूँ, मैं बहुत डर जाती हूँ। जस्मीन, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, रो मत। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं सच में वो आवाजें मेरी जिंदगी में वापस आ गए तो? जस्ट रिलैक्स हिमानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर अगर हो गया तो? देखो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारा अतीत है, उसका तुम्हारे भविष्य से क्या लेना देना। लोग कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, और कहीं मेरे साथ ऐसा हुआ तो? हो सकता है कोई शक्ति हो और वो मेरे डर को मेरी जिंदगी में वापस ला दे तो? शक्ति? कोई भी शक्ति अपने आप में शक्तिशाली नहीं होती। कोई भी ताकत तब काम में आती है जब कोई इंसान उसे इस्तेमाल करता है। अच्छा, एक मिनट के लिए मान लो कि ऐसी कोई शक्ति तुम्हें मिल जाए तो? कौन सी शक्ति? यही वाली जिसके जरिए तुम किसी भी इंसान के सबसे भयानक डर को उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए घोल दो। प्लीज ऐसी बातें मत करो, भगवान ऐसी शक्ति किसी को ना दे। मैं तो ये सोच के ही घबरा जाती हूँ, मुझे डर लगने लगता है। इसीलिए तो कहती हूँ इतना मत सोचा करो, जितना सोचोगी उतना ही डरोगी। मैं जानता हूँ किसने मारा है। क्या तू जानता है? मानव मुझे कुछ बताना चाहता था लेकिन वो कुछ कह पाता इससे पहले वो लापता हो गया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो वो मुझसे कहना चाहता था? कहीं इसी कॉफी हाउस में किसी के बारे में तो बात नहीं कर रहा था मैं। मुझे क्या हो रहा है? क्या मुझे पसीने क्यों आ रहे? दीपानिता, 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 बंद करो। दीपानिता, दीपानिता,
दीपानिता कहाँ हो तुम? दीपानिता दीपानिता बंद करो, ये आवाज़ें बंद करो। हो सकता है मुझे यहां कोई सुराग मिल जाए और मैं इन होने वाली मौतों की जड़ तक पहुंच सकूं। ये खुल क्यों नहीं रहा है? चाबी तो यही है। इसका मतलब दीपान्विता ही सबको मार रही है। कहीं ऐसा तो नहीं दीपान्विता एक खूनी आत्मा है? मुझे सबको खबरदार कर देना चाहिए। हेलो विनय, तुम जहां कहीं भी हो जल्दी से कॉफी शॉप में आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है विनय, प्लीज तुम जहां कहीं भी हो जल्दी आओ। हाँ प्लीज जल्दी आओ। हिमाली तो दीपान्विता के साथ ही गई है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, प्लीज पिक अप योर फोन, डैम इट, पिक अप योर फोन। ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्या हुआ है? होगा तो अब तुझे आज भुगतेगी तू अपने डर से भागने का अंजाम। ये तुम क्या कह रही? मेरी बनाई कॉफी में कुछ बात ही ऐसी है जो एक बार पी लेता है अपने बीते हुए डर को फिर से एक बार अपनी जिंदगी में खोल लेता है। मतलब कॉफी पिला के तुमने उन सब की जान ली? हाँ, मेरी बनाई कॉफी पीकर इंसान का डर एक बार फिर जिंदा हो जाता है और फिर वही डर उसकी जान ले लेता है। ये सब करके तुम्हें मिलता क्या? तुम इंसानों का डर ही तो मेरी खुराक है। अब तक समझ में नहीं आया, जो डर गया वो मर गया। <laughs> <laughs>
सर, सर, विनय, क्या हुआ सर? आपने मुझे इस तरह अचानक क्यों बुलाया? विनय, दीपान्विता, दीपान्विता मार रही है सबको। दीपान्विता? क्यों? तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? मेरी बात पे यकीन नहीं तुमको? रुको, ये रुको, मैं तुमको सबूत दिखाता हूँ अभी। जाना मत। पर सर, यही रुको तुम, मैं तुमको सबूत दिखाता हूँ अभी। रुक जाओ, यही रुकना तुम। सर, दीपान्विता, पर वो ऐसा क्यों करेगी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कैसी लगी कॉफी? क्या हुआ? मुझे देखकर डर गए? नहीं, नहीं। दीपान्विता, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं नहीं दीपान्विता, नहीं। मैं ये जगह छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं नहीं रुकने वाला। अरे वो तो क्या, उसका साया भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। चला जाऊंगा। शशांक, कॉफी सर,
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।